इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जॉन डन का लिखा हुआ एक पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बेसिकली इसको सॉन्ग भी कहा जाता है। इसको 1633 में ये पब्लिश्ड हुआ था, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन वाला जो एंथोलॉजी पब्लिश्ड हुआ है उसमें इसका टाइटल सिर्फ सॉन्ग है। हालांकि बहुत कोई इसको, इसका जो फर्स्ट लाइन है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, उस नाम से भी जानते हैं। सॉन्ग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक लिरिक पोएम है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा राइम्स की मिलेगा, रिदम मिलेगा, लिरिसिज्म मिलेगा। ठीक है, और बेसिकली ये मिसोजिनिस्ट थीम के ऊपर बना हुआ है, यानी एंटी वुमेन। इस पूरा पोएम के थ्रू डन ने यही दिखलाने का कोशिश किया है कि चाहे तुम दुनिया में कितनी भी अजीबो गरीब और अविश्वास चीज़ क्यों ना देख लो, ठीक है, सब चीज़ पॉसिबल है, लेकिन एक ट्रू एंड फेयर यानी ब्यूटिफुल एंड येट ट्रूथफुल वुमेन ढूंढना मुश्किल है। कोई अगर लड़की है, खूबसूरत है, तो वो लॉयल नहीं रह सकती। ठीक है, लॉयल्टी इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ वुमेन। ठीक है, इस तरीके से वुमेन को सेटराइज किया गया है इस पूरा पोएम के थ्रू। तो आइए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एनालिसिस। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ जाके एक टूटता हुआ तारा तो मतलब पकड़ करके लाओ। देखिए यहाँ पे जानबूझ करके ऐसा ही चीज़ बताया जाएगा, कुछ लिस्ट, मतलब पोएट्री का ये स्कीम ही ऐसा है कि पहले कुछ लिस्ट ऑफ इम्पॉसिबल चीज़ें दिए जाएंगी कि ये करो वो करो, हालांकि जो कि करना पॉसिबल है नहीं, और फिर आखिर में बताया जाएगा कि ये सब इम्पॉसिबल चीज़ करने के साथ साथ एक अच्छा और विश्वसनीय लड़की भी ढूंढ के लाओ। ठीक है, तो इस पूरा पोएम में आपका हाइपरबोल ढेर सारा मिलेगा। हाइपरबोल यानी एग्जेजरेशन, बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, तो फिर क्या, पहला क्या था कि जाकर के एक टूटता ताड़ा लेकर के आओ। फिर क्या है, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट, मैंड्रेक एक पेड़ का नाम है, तो उस पेड़ का जो जड़ है ना उसको प्रेग्नेंट करो। गेट विद चाइल्ड यानी उसको प्रेग्नेंट करो। आप ही बताइए, पेड़ का जड़ को कोई कभी प्रेग्नेंट कर सकता है? एकदम बेतुका सा बात है, इम्पॉसिबल सा बात है। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, चलो मुझे बताओ कि जितने भी पास्ट के दिन हैं, जितने साल गुजर चुके हैं, वो सब गुजरे लेकिन गए कहाँ, कहाँ पे गए वो सब? और ये भी चलो मुझे बताओ कि डेविल का जो पैर है उसको क्लेफ्ट किसने किया? क्लेफ्ट यानी जो दो तरफ से बाइफर्केट हो जाना, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ जाना, टेढ़ा हो जाना। जो डेविल का माना जाता है ट्रेडिशनल बिलीफ में कि डेविल का जो पैर है वो खूफ जैसा है, इंसानों का खूर जैसा है, बीच में से चीरा हुआ। तो ये बताओ कि उसको चीरा किसने, उसको वैसा शेप का किसने बनाया? ठीक है, अच्छा चलो ये बता दो, टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, मरमेड यानी जो जलपरिया होती है, तो जलपरिया कैसे गाना गाती है, उस संगीत का अर्थ मुझे सिखाओ, जलपरियों का गाना गाने का स्टाइल मुझे सिखाओ। और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग, एनवी यानी जो जेलसी होता है, कि जेलसी से, जेलसी का स्टिंग से कैसे बचा जाए, ठीक है, हिंसा से कैसे बचा जाए, जलने से दूसरे आदमी से कैसे बचा जाए, वो ही मुझे सिखा दो कम से कम। कीप ऑफ यानी कि उससे हट जाना, दूर रहने जेलसी से। तो ये सब चीज़ क्या है कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, इस सब चीज़ को किया नहीं जा सकता। And find what wind serves to advance an honest mind. और ये सब impossible चीज़ों के साथ ये भी मुझे ढूंढ के दिखाओ कि कौन सा हवा अपना साथ बहा करके लाती है एक honest mind, यानी यहाँ पे feminine mind का बात किया जा रहा है, कि कोई लड़की का मन जो सच्चा हो, कोई लड़की का दिल जो सच्चा हो, कोई लड़की जो loyal रहे एक partner का प्रति। ऐसा मतलब बहुत ही rarest of rare लड़की, ऐसा खूबसूरत माइंड का, लॉयल माइंड के साथ लड़की है कोई? अगर है तो दिखाओ, अगर है तो यही सब काम जैसा इम्पॉसिबल होगा। अगर वो लॉयल लड़की मिल जाएगी तो ये सब काम भी पॉसिबल है। ये क्या आयरॉनिक है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेंस में क्या बता रहे हैं, इफ दाउ बिज बॉर्न टू स्ट्रेन साइड्स थिंग्स इनविजिबल टू सी, दाउ यानी ओल्ड इंग्लिश में यू, अगर तुम पैदा हुए हो ऐसा एक इलाके में जहाँ पे काफ़ी अजीबोगरीब दृश्य देखा जाता है जो कि नॉर्मल आदमी अपने आंखों से देख नहीं सकते, अगर वैसा कोई मैजिकल लैंड में तुम बॉर्न हुए हो, अगर पैदा होने के बाद से ही ये सब एक्स्ट्रा सुपरनेचुरल चीज़ों का तुमको आदत है, तो तुम क्या करो, अब चलो राइड करो, राइड 10,000 days and nights, 10,000 दिन और 10,000 रातों तक तुम चलते ही जाओ, राइड करते जाओ, पूरा दुनिया घूम लो, टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, ताकि जब तक जो उम्र है, बुढ़ापा है, तुम्हारे बालों को एकदम सफ़ेद नहीं कर देता, एकदम ता उम्र तुम पूरा दुनिया का सैर कर लो, ठीक है, और सारा मैजिकल या जितना भी सुपरनेचुरल चीज़ें हो सकती हैं सब चीज़ तुम देख लो। फिर जब तुम जर्नी ख़त्म करके आओगे तो तुम क्या बोलोगे, when thou returnest will tell me, जब तुम जर्नी ख़त्म करके आओगे तो मुझे बोलोगे, all strange wonders that befell thee, befell मतलब उसके साथ घटना, ठीक है, तो जितने भी सारा अजीबोगरीब किस्से तुम्हारे साथ घटे होंगे तो मुझे सारे बोलोगे, and swear, और उसके बाद तुम ये पक्का दावा करोगे, nowhere lives a woman true and fair,
कि इतने सालों तक तुम इतने सारे चीज़ देखे, अजीबोगरीब इम्पॉसिबल चीज़ देखे, लेकिन आज तक तुम्हारा सामना एक भी खूबसूरत और लॉयल वुमन के साथ नहीं हुआ। ट्रू इन द सेंस लॉयल, ऑनेस्ट, ठीक है, कि जो खूबसूरत भी हो और प्लस ऑनेस्ट भी हो, ऐसे एक भी लड़की तुम नहीं देखोगे। अब आखिरी स्टैंजा, इफ दाउ फाइंड्स वन लेट मी नो, अगर तुमको मिल भी जाए, ठीक है, अगर तुमको एक मिल भी जाए तो मुझे बताना। सच अ पिलग्रिमेज वेयर स्वीट, इसको पिलग्रिमेज के साथ तुलना किया जा रहा है। पिलग्रिमेज मतलब कोई अपना जब धर्मीय स्थान, तीर्थ स्थान में यात्रा करता है, ठीक है, टू सेटिस्फाई वंस डिवाइन लॉन्गिंग या स्पिरिचुअलिटी, तो उसको कहा जाता है पिलग्रिमेज। तो यहाँ पे उस लड़की को, मतलब जो लड़की खूबसूरत भी है और लॉयल भी है, उसको गॉडेस के साथ एक तरीके से तुलना किया जा रहा है। कि नॉर्मल इंसान तो ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉर्मल लड़की तो ऐसा ट्रू एंड फेयर एक साथ हो ही नहीं सकती। तो अगर तुमको कोई मिल गई है तो वो गॉडेस ही है, और गॉडेस से मिलने जाना कोई पिलग्रिमेज से कम थोड़ी है। तो ऐसा एक पिलग्रिमेज करना बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। येट, अब देखिए सबसे बड़ा मजा, येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, लेकिन फिर भी अगर मुझे वैसा गॉडेस का पता मिल भी गया, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? और ये तो है, जाऊंगा तो नहीं ही, अगर किस कंडीशन में भी नहीं जाऊंगा, दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, अगर मेरा बस अगला घर में, मेरा बगल वाला घर में भी अगर वैसा ट्रू एंड फेयर लड़की मिली, तो मैं उतना दूर का पिलग्रिमेज भी नहीं करूंगा। यानी मैं अपना घर से चल के दरवाज़ा खोल के अगला घर का दरवाजे मुश्किल से एक मिनट लगेगा, तो एक मिनट का भी समय मैं ज़ाया नहीं करूंगा उस गॉडेस जैसे लड़की से मिलने के लिए। क्यों? दो शी वेर ट्रू, हालांकि वो ट्रू थी व्हेन यू मेट हर, जब तुम उससे मिले थे, जब तुम उससे मिले थे और मुझे इस बारे उसका वाक्या सुनाए कि हाँ वो ट्रू भी है, फेयर भी है, उस टाइम तक तो वो ट्रू थी, लॉयल थी। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और जब तुम मुझे उसका बारे ये लेटर लिख के ये बता रहे थे, हाँ भाई मुझे ऐसा एक लड़की मिली है, आओ आके देख के जाओ, येट शी विल बी फॉल्स एयर आई कम टू टू और थ्री, एयर का मतलब होता है बिफोर, ठीक है। तो अगर उस वक्त तुम्हारा लेटर लिखने का वक्त अगर वो ट्रू रही भी होगी, तो जब तक मैं वहां पहुंचूंगा ना, तब तक वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। मतलब तब तक उसका जो चेस्टिटी है, जो भी उसका ऑनेस्टी है, जो भी उसकी लॉयल्टी है, सब कुछ खो जाएगा। कितनों के पास? या तो दो आदमी के पास या तो तीन आदमी के पास। यानी एक पुरुष से संतुष्ट लड़की रह ही नहीं सकती। अगर अभी तक कोई लड़की इस पूरा धरती में बची भी हुई है जो एक पुरुष से संतुष्ट है, एक पार्टनर से संतुष्ट है, तो जब तक मैं जाऊंगा, हो सकता है उससे पहले ही वो किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना ले, किसी तीसरे के साथ रिलेशनशिप बना ले। यानी अगर चेस्टिटी मिलता भी है, ऑनेस्टी मिलता भी है, तो दैट इज वेरी टेम्पररी, ठीक है, कुछ चंद मिनटों में वो मिट जा सकता है, कोई उसका भरोसा नहीं। आप सोचिए ना, एक घर से दूसरा घर जाते हुए उससे पहले ही वो अपना गुनाह कर देगी, ऐसा डन का ख्याल है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक मिसोजिनिस्टिक पोएम है, ठीक है। इसमें वुमेन को बहुत बुरी तरीके से सैटराइज किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है, अटैक किया गया है, कि उनका लॉयल्टी बोल के कुछ होता ही नहीं है। ये था पूरा पोएम, आशा करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी आगे का वीडियो है सब आपको तक नोटिफिकेशन संगे संग चल जाए। और कोई और अगर टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए, एसे, ड्रामा, पोएम, नॉवल या कोई भी विषय में, तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिए, उसमें भी हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो बना करके लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।